दोस्तों नमस्कार, आप कैसे हैं? हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग चार विद्वान की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। इन चार विद्वानों की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में आज इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चार विद्वान की कहानी इस तरह से है। एक समय की बात है, चारों विद्वान अपनी विद्वता में एक से बढ़कर एक थे। चारों विद्वानों ने सोचा, क्यों ना हम चल करके अपनी विद्वता का परीक्षण कर लें। इस तरह से चारों विद्वान अपनी अपनी विद्वता को सिद्ध करने के लिए अपने अपने घर से निकल गए। चलते चलते वे एक बहुत घने जंगल में पहुंच गए। वे यही सोच रहे थे कि किस चीज़ पर हम अपनी विद्वता का परीक्षण करें, और यह सोचते विचारते हुए वे आगे बढ़ते रहे। यही विचार विमर्श करते हुए वे आगे बढ़ते रहे। चारों विद्वान अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के बारे में सोचते हुए अपने ज्ञान पर गर्व कर रहे थे। चारों विद्वानों में तीन विद्वान अपनी अपनी विद्या पर बहुत ही गर्व करते थे, अपनी विद्या पर बहुत गर्व करते थे, किंतु चौथा विद्वान अपनी विद्या का उपयोग बहुत ही सूझबूझ के साथ करने का प्रयास करता था, किंतु अन्य तीनों विद्वान उसे मूर्ख और डरपोक समझते थे। वो विद्वान घने जंगल में एक सुनसान स्थान पर पहुंचे तो रास्ते में एक शेर के अस्थि पंजर दिखाई पड़ा, जो चारों ओर तितर बितर बिखरे पड़े थे, जिसमें केवल हड्डियां ही शेष रह गई थी। चारों विद्वानों ने आपस में बात करने लगे। उन्होंने कहा कि क्यों न हम अपनी अपनी विद्या का प्रयोग करके इस शेर के प्राण को वापस इसके शरीर में प्रतिस्थापित करके इसे जीवित कर दिया जाए। कहा, ठीक है। उन चारों विद्वानों में से तीन विद्वानों ने कहा, ठीक है, चलो इसे जीवित कर देते हैं, किंतु चौथा विद्वान बोला, भाइयों, कोई भी काम सूझबूझ के साथ करना चाहिए, कहीं इसे जीवित करने पर हमें कोई खतरा हो जाए। किंतु तीनों ने उसकी एक न सुनी। विद्वानों ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिए। एक विद्वान ने कहा कि मैं अब अपनी विद्या के बल पर इसकी इन बिखरी हुई हड्डियों से शेर के शरीर का ढांचा तैयार कर सकता हूँ। तो तीनों ने कहा, ठीक, तुम शेर का ढांचा तैयार करो। तो तीनों ने कहा कि ठीक है, तुम शेर के ढांचे को तैयार करके दिखाओ, तो हम लोग जान सकें कि तुम्हें कोई विद्या आती है। यह सुनकर विद्वान तुरंत ही अपने तंत्र विद्या से शेर का ढांचा तैयार किया। तब दूसरे विद्वान तुरंत अपने तंत्र विद्या से शेर का ढांचा तैयार किया तब दूसरे इस प्रकार दूसरे विद्वान ने अपनी तंत्र विद्या को पढ़ करके कमंडल से जल लेकर शेर के ढांचे पर छिड़क दिया, और छिड़कते ही शेर का शरीर बन करके तैयार हो गया। अब केवल शेर के शरीर में प्राण ही डालना बाकी रह गया। तीसरा विद्वान अब कहाँ पीछे रहने वाला था, वह तुरंत आगे बढ़ा और बोला, मैं शेर के इस मृतक शरीर में प्राण प्रतिस्थापित कर सकता हूँ। तो उसके दोनों साथियों ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब तुम्हारा भी परीक्षण का समय आ गया है, तुम भी अपनी परीक्षा दो। ज्यों ही तीसरे विद्वान ने अपने तंत्र मंत्र को पढ़ना शुरू किया, तो चौथे विद्वान, जिसको तीनों विद्वानों ने मूर्ख घोषित कर दिए थे,
उसने चिल्ला करके कहा, भाइयों तुम लोग कौन सा अनिष्ट करने जा रहे हो? अगर यह शेर जीवित हो जाएगा तो हम चारों को मार करके खा जाएगा। परंतु उन तीनों ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिए, उसे डांटने लगे और बोले, तुम्हें तो कुछ आता जाता नहीं, हम तीनों की विद्या से तुम्हें ईर्ष्या हो रही है। तुम नहीं चाहते कि हम अपने तंत्र विद्या से अधिक धन कमाएं और धन प्राप्त करें? इस तरह से उसकी बातों को नज़रअंदाज करके शेर के शरीर में प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए तैयार हो गए। तब उस चौथे विद्वान ने कहा, अरे ऐसा करो, अगर तुम लोगों को इसके शरीर में प्राण डालना ही है तो सब लोग ऐसा करो, सब पेड़ पर चढ़ जाओ, वहाँ से मंत्र अपना पढ़ो, तब वहाँ से शेर के शरीर में प्राण प्रतिष्ठित करो, जिससे कि हम लोग सुरक्षित रहें। क्या पता यह शेर जीवित हो जाए और हम लोगों को खा जाए। जब चौथे विद्वान ने इस तरह से कहा कि अरे तुम लोग ऐसा अनर्थ मत करो, तुम लोग पेड़ पर चढ़ जाओ, वहाँ से अपना मंत्र का जाप करके उस शेर को जीवित करो, और नीचे से रह करके जीवित करोगे तो वह शेर हम लोगों को खा जाएगा और हम लोगों की विद्या बेकार हो जाएगी। लेकिन वे लोग उसकी बात को अनसुना करके उसे डांटने फटकारने लगे। तब उन तीनों विद्वानों ने चौथे सूझबूझ वाले विद्वान को डांटते हुए कहने लगे, अरे मूर्ख, एक तो हम लोग इस शेर को जीवित करके इसके ऊपर एहसान कर रहे हैं, तो यह हमें क्यों खाएगा? तो चौथे विद्वान ने कहा, अरे मूर्खों, सर्प को दूध पिला दोगे तो क्या वह डसना छोड़ देगा? किंतु वे तीनों उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इसे चौथे ब्राह्मण ने अपने मन में विचार किया कि ये लोग अब अपने ढंग से मानने वाले नहीं हैं, तो उसने सोचा कि ये तीनों तो मरेंगे ही और साथ में हमें भी मरवाएंगे, अतः हमें कुछ करना चाहिए। तब उस चौथे विद्वान ने कहा कि तुम लोग थोड़ी देर रुक जाओ, मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, तब तुम लोग शेर को जीवित करना। तब तीनों विद्वानों ने कहा, अरे तुम तो मूर्ख थे ही और डरपोक भी हो, जाओ जाओ, खूब आराम से पेड़ पर जाओ, चढ़ करके बैठ जाओ। इस तरह से उन्होंने उस विद्वान को बहुत डांटा फटकारा। वह विद्वान जब समझ गया कि ये तीनों अब मरने वाले हैं, ये बचने वाले नहीं हैं, तो इसलिए कम से कम अपने प्राण को बचा लेना चाहिए, इसलिए वह जा करके पेड़ पर चढ़ गया। इस प्रकार सूझबूझ और समझदारी के साथ काम करने वाला विद्वान पेड़ पर चढ़ गया और उन तीनों से कहा कि अब तुम लोग अपना मंत्र उच्चारण करो और अपनी अपनी विद्या का उपयोग करो और उस शेर को जीवित करो, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरह से उन तीनों ब्राह्मणों ने अपनी अपनी विद्या का उपयोग करके शेर को जीवित कर दिया। किंतु उस जीवित शेर ने अपने सामने साक्षात तीनों शिकारों को कैसे छोड़ सकता? तीनों विद्वान भागने लगे और शेर उन तीनों को मारकर खाने का प्रयास करने लगा। तो तीनों बोले, अरे तुम्हें हम लोगों ने अपनी विद्या के बल पर जीवित किया है, तुम तो मर चुके थे, तुम्हारे शरीर में कुछ भी नहीं था, केवल हड्डियां बची थी, लेकिन हम लोगों ने अपनी विद्या, अपने तंत्र और अपने विज्ञान के सहायता से तुमको हम लोगों ने जीवित कर दिया, और तुम जो हो कि हम लोगों को खाने के लिए दौड़ रहे हो। तो वह शेर बोला कि देखो, तुम चाहे मुझको जीवित किए हो, चाहे जैसे भी हो, लेकिन अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा,
तुम्हारा हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। वे तीनों विद्वान एहसान की दुहाई दे रहे थे, लेकिन वह कहा कैसा एहसान और कैसा उपकार, वह कुछ नहीं माना। और इस तरह से वे लोग चिल्लाते रहे, अरे नहीं, अरे नहीं, मैंने तुमको अपनी विद्या के बल पर जीवित किया है, हमारा एहसान तुम पर है, इसलिए तुम हमें नहीं खा सकते हो। किंतु शेर उनकी एक भी बात को नहीं सुनी और न तो उनकी बातों का उस पर असर पड़ा। वह तीनों विद्वानों को मार करके, और इस तरह से तीनों विद्वानों का वहीं अंत हो गया। तीनों विद्वान समाप्त हो गए, तीनों विद्वानों की मृत्यु हो गई। जब तीनों विद्वानों की मृत्यु हो गई, तब चौथा विद्वान जो पेड़ पर बैठा हुआ था, वह वहीं से बैठे बैठे अब सोच रहा था कि वह कैसे अपने प्राण को बचाए। और वह अपने प्राण को बचाने के लिए वहीं पर बैठा रहा। जब मौका पाया तब वहाँ से वह निकल करके चला गया और यही सोचता रहा कि अच्छा काम करने पर उसका अच्छा नतीजा होता है। और हमेशा बुद्धि का, विद्या का और अपने बल का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन इन तीनों मूर्खों ने ऐसा नहीं किया, इसलिए उनको इस तरह का दंड मिला। इसीलिए कहा गया है कि अपनी विद्या और ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए, ऐसे जगह प्रयोग नहीं करना चाहिए कि जिससे दूसरे को नुकसान हो। इसलिए बल, बुद्धि, विद्या का उपयोग हमेशा अपना और दूसरों के हित के लिए उपयोग करना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसमें देख रहे हैं कि विद्वानों ने किस तरह से अपनी बुद्धि और अपनी विद्या का उपयोग किया, क्योंकि उन लोगों ने अपनी बुद्धि और विद्या का उपयोग सही ढंग से नहीं किया। अगर वे लोग सोचे होते कि अगर हम इस शेर को जीवित कर देंगे तो शेर हम लोगों को खा जाएगा, तब वे अपने दोस्त, अपने मित्र की बात को मान करके ऐसा काम नहीं करते। लेकिन दोस्तों, उनको अपनी बुद्धि पर, अपनी विद्या पर बहुत घमंड था, इसलिए कभी भी बुद्धि, विद्या और बल पर घमंड नहीं करना चाहिए और इनका उपयोग हमेशा दूसरों के हित में करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमें कमेंट ज़रूर करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।